नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे हमारे घरों में लगने वाले इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में। दोस्तों, ये जो मीटर होते हैं वह बिजली कंपनियों द्वारा लगाए जाते हैं और हमने अक्सर देखा है कि बिजली कंपनी और उपभोक्ताओं के बीच में बिल को लेकर काफी तनातनी रहती है, उनकी काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स आती है मीटर के कारण, क्योंकि कई बार हम जो पुराने मीटर होते थे वो बंद हो जाते थे और बिजली कंपनियां उनसे एवरेज में चार्ज वसूलती थी और काफ़ी ज़्यादा चार्ज वसूलती थी, तो उपभोक्ता काफ़ी नाराज़ हो जाते थे और कई बार झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती थी। और दोस्तों, कई बार तो सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इस मीटर को खराब बताकर या उसमें कुछ खराबी कर उसकी पूरी रीडिंग छुपा ली जाती थी और एवरेज बिल दिया जाता था। यानी दोस्तों, यदि आपका मीटर खराब हो जाता है तो आपको पुराने बिलों की तरह ही नया जो अगला बिल है वो दिया जाएगा। तो हमारे जो पुराने मीटर होते थे उसके अंदर छेड़छाड़ी करना काफ़ी इजी होता था, काफ़ी आसान होता था। कई उपभोक्ता उसमें काफ़ी आसानी से छेड़छाड़ कर लेते थे और अपने बिजली के बिल को काफ़ी कम कर लेते थे। तो दोस्तों, उसी के लिए यह एक अपग्रेड वर्जन आया है मीटर के अंदर, जिसके द्वारा कंपनी आपके पुरानी रीडिंग्स भी इसमें से निकाल सकती है। इन सबसे बचने के लिए कंपनियों ने IR मीटर निकाले हैं, जिसके अंदर अगर आपका डिस्प्ले भी खराब हो जाता है या फिर आपका मीटर डैमेज हो जाता है तो भी आपकी रीडिंग होती है वो मेमोरी के अंदर चली जाती है, और ये काफ़ी सालों तक या महीनों तक भी ये मेमोरी आपको रिकवर हो जाती है। सिर्फ इसमें एक डिवाइस लगता है, जैसे ही मीटर ऑन होता है यहाँ से ब्लूटूथ के द्वारा आपकी पूरी रीडिंग पुरानी ली जा सकती है। फ्रेंड्स, ये सब कुछ होता है मीटर में लगे हुए IR डिवाइस की वजह से। इस डिवाइस के थ्रू हम मीटर की सारी रीडिंग ले सकते हैं। यदि आपका मीटर पूरी तरीके से डैमेज भी हो चुका है तो भी एक मेमोरी के अंदर ये सारा डेटा चला जाता है और मीटर को लैब में ले जा कर के इसकी सारी रिकॉर्डिंग या इसकी सारा जो भी डेटा होता है वो वापस से लिया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का टॉपिक? प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
तो दोस्तों छोटी सी जानकारी कैसी लगी मेरी? तो दोस्तों आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे घरों में लगने वाले इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बारे में। दोस्तों ये मीटर का